हाँ जी दोस्तों, हम घूमते घूमते आए हैं उदयपुर, और उदयपुर में आए हैं जोधपुर मिष्ठान भंडार की कचौड़ी खाने के लिए। अंकल जी कैसे हो? आपका वीडियो देखा था यूट्यूब पर। हाँ जी सर, तो देख के आया है स्पेशल की उदयपुर का फेमस खाने के लिए क्या है स्ट्रीट फूड। तो अपना प्याज की कचौड़ी हमारी बहुत बढ़िया है, मिर्ची बड़ा है हमारा, समझा ना। और फिर मिठाई के अंदर जो है घेवर है हमारा बहुत बढ़िया। एक अभी मैंने नया जो पुरानी मिठाई थी यहाँ की दिल जानी, उसको मैंने वापस अभी यूट्यूब की वजह से वापस इंट्रोड्यूस किया, जिंदा किया मैंने। अच्छा, तो उसमें क्या स्पेशलिटी रहती है? कुछ नहीं सर, क्या है कि पहले जो बनती थी तो वो शक्कर और नींबू के अंदर बनती थी खटाई देने के लिए। मैंने इसको जो चालू किया था तो मैं इसको ऑरेंज जूस या पाइनएप्पल जूस में बनाया। अच्छा, वो डिफरेंस है, मतलब बाकी जगह की दिलजानी और आपकी दिलजानी दूसरी जगह तो यहाँ दिलजानी दूसरी जगह पे है ही नहीं, है भी नहीं। अच्छा, कोई इसको करते नहीं है। पर मैंने क्या, यूट्यूब पे आने की वजह से क्या हुआ कि मेरे को बनानी जरूरी होगी, कोई मांगता है कि कुछ नया इंट्रोड्यूस कर, कुछ नया लाओ, चाहे वो कोई खरीदे चाहे नहीं खरीदे, मुझे दिलजानी बनानी है, उनको सबको टेस्ट करानी है। बिल्कुल, चलिए हम भी टेस्ट करेंगे आपके दिलजानी। ऐसा मैंने पहले कभी टेस्ट नहीं किया, इसमें हल्का सा पाइनएप्पल का फ्लेवर आ रहा है, पर अच्छा लग रहा है। मैंगो का पाइनएप्पल का क्या है कि अलग से बना हुआ ही आता है कंपनी से। अच्छा, समझे ना, सिरप बना हुआ होता है, सिरप बना हुआ आता है। अच्छा। उस सिरप को गर्म करके थोड़ा हल्का चाशनी की जैसा पानी डाल देते हैं, थोड़ा पतला हो जाता है, फिर ये जो घी में दाना बनाया और ये सीधा उसके अंदर डाल देते हैं। फिर जो भी ड्राई फ्रूट में कम है इसके अंदर, ताकि ड्राई फ्रूट बहुत फुल ड्राई फ्रूट डालते हैं। अच्छा, और ये शॉप आपकी यहाँ पर कब से है? ये इसको करीब 40 साल हो गए। 40 साल हो गए सर। और आप ही रन करते हैं? जी सर, सर आपने ही शुरू किया था? जी सर। वाह वाह, क्या बात है। और मैं सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक यहीं रहता हूँ। वाह, और 2014 के लिए मेरे को ये इस कचौड़ी का अवार्ड मिला हुआ है, द बेस्ट कचौड़ी। यस, वाह वाह, बढ़िया है अंकल जी। जी सर, कचौरी पीस के ऊपर देता हूँ। हाँ, कचौरी पीस कैसे है? पेपर पीस कचौरी, सुबह 6 बजे दुकान खोल देता हूँ। भाई गुजरात से जो सुबह निकलते हैं ना, वो यही आके नाश्ता करे, गर्मा गर्म फ्रेश नाश्ता। बिल्कुल सर, गुजरात की तो भी मेरे ऊपर मेहरबानी पूरी, महाराष्ट्र और गुजरात तो बस। 10 मिनट पहले यहाँ पे आया तो यहाँ पे कोई नहीं था। आप देखो, 10 मिनट में ही पूरी भीड़ इकट्ठा हो गई है गर्मा गर्म कचौड़ी खाने के लिए। अंकल जी ने बताया कि अंबानी परिवार भी जब उदयपुर आते हैं तो यहाँ की कचौड़ी जरूर से मंगवा के खाते हैं। तो देखो, हमारी कचौड़ी लग के रेडी हो चुकी है, चटनी और तली हुई हरी मिर्च के साथ। वाह वाह, मजा आ जाएगा। कैसा लग रहा है? एक नंबर। काजू कैसा टेस्ट है? कैसा लग रहा है टेस्ट? बहुत ही अच्छा, यू मस्ट ट्राई।